गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाले मुख्य पांच फसलों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद शमीम। अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी मुख्य फसलें हैं जो गर्मी में उगाई जा सकती हैं। नंबर एक, मक्का। किसान सम्राट किस्म की मूंग की बुआई कर सकते हैं। यह 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाता है और 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इसकी पैदावार होती है। इसमें प्रति बीघे कुल खर्चा सिर्फ 400 से 450 रुपये आता है। उड़द। उड़द की पंत चार किस्म की बुआई इस समय की जा सकती है। यह 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है और प्रति बीघे से 1.5 क्विंटल की पैदावार होती है। प्रति बीघे कुल खर्च 250 से 3,000 रुपये आ जाता है। मेंथा। कम समय में उगने वाली नकदी फसलों में मेंथा भी एक फसल है। इस स्थिति में मेंथा की सिम क्रांति किस्म लगाना किसानों के लिए उचित रहेगा, क्योंकि यह किस्म बाकी प्रजातियों से प्रति हेक्टेयर 10 से 12% ज़्यादा तेल देती है। लोबिया। मुख्य फसल धान से पहले किसान 60 दिन में पैदा होने वाली लोबिया भी बो सकते हैं। आमतौर पर लोबिया की सामान्य किस्मों को तैयार होने में 120 से 125 दिन लगते हैं। किसान भाई, एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया गर्मी की कुछ फसलें जिन्हें उगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जैसे मेंथा वगैरह, तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अच्छी अच्छी कृषि संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।